हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधिका एंड दिस इज़ योर इंग्लिश बुक फॉर क्लास फिफ्थ। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी। मनीषा वॉज ऑल नर्व्स। शी फेल द बर्डन ऑफ एवरी वंस होप्स एंड एक्सपेक्टेशन। शी कुड नॉट बियर टू वेट एट द स्टार्टिंग लाइन एनी लॉन्गर। शी कुड नॉट हेल्प बट थिंक हाउ हर ब्रदर हैड कोच्ड एंड इंस्ट्रक्टेड हर। मनीषा पहले से ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, उसके ऊपर से हर कोई उसको जो ये होप्स और एक्सपेक्टेशन दिए जा रहा था कि तुम हारोगी नहीं, जैसे कि अभी ऊपर जीनत ने भी कहा था, तो इस चीज़ से उसके ऊपर एक बर्डन, अपने ऊपर वो एक बोझ सा महसूस कर रही थी कि हर कोई उसे आशाएं दिए जा रहा है। तो अब वो और ज़्यादा, एक तो पहले से ही नर्व्स थी इसलिए फिर वो स्टार्टिंग लाइन पर और ज़्यादा देर तक वो अपने आप को वहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, ज़्यादा देर तक वेट करना रेस स्टार्ट होने के लिए। तो उस अब वो कुछ कर तो सकती नहीं थी, इसलिए फिर वो वहाँ पर जब तक रेस स्टार्ट हो तो वो अपने भाई की, जो उसका भाई थे कोच, उसको किसने किया था, उसके भाई ने, तो वो उनकी इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोच रही थी जैसे जैसे उन्होंने सिखाया था। ही हैड रैन एंड स्प्रिंटेड विद हर, इनकरेजिंग एंड एडवाइजिंग हर फॉर वीक्स बिफोर द रेस। क्योंकि उसके जो भाई थे उन्होंने उसको, स्प्रिंटेड मीन्स होता है, देखो यहाँ पर दे रखा है इसका मीनिंग, स्प्रिंटेड मीन्स होता है रन फास्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। उसके भाई ने उसको सिखाया था कि कैसे छोटी, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कैसे तेज़ी से भागना होता है, तो उन्होंने उसको ये सब कुछ सिखाया हुआ था। तो वो वही सब सोचने में लग गई थी किस तरह से उसके भाई ने उसको इनकरेज किया था, एडवाइसेस दी थी बहुत हफ्तों से इस रेस के बारे में। ठीक है, रेस शुरू होने से पहले से ही उसके भाई ने उसको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो वो उनके बारे में सोचने लग गई थी। थिंकिंग ऑफ हर ब्रदर गेव हर करेज एंड शी लुक्ड एट द ट्रैक स्प्रॉल्ड इन फ्रंट ऑफ हर विद अ न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन। अब अपने भाई के बारे, जो उसके भाई ने उसको करेज दिया था, जो साहस दिया था, उसके बारे में वो सोच रही थी, और सोचते सोचते वो देखती है जो ट्रैक था, जो सामने रास्ता था जहाँ पर से उसकी रेस स्टार्ट होने वाली थी, वो स्प्रॉल्ड हुआ था। स्प्रॉल्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा लंबे एरिया को कवर किया हुआ था, उसने फैला हुआ था वो उसके सामने से, जहाँ पर उसको दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से वहाँ पर उसको उस रास्ते को कवर करना था, भागना था वहाँ पर। जस्ट इन टाइम द अनाउंसर ब्लेयर्ड ऑन द मेगाफोन, ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑन योर मार्क्स बैंग, द स्टार्टर्स गन वेंट ऑफ एंड द रनर्स स्प्रैंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन। तभी उसी टाइम पर जो अनाउंसर थे, जो जो घोषणा करते हैं रेस स्टार्ट होने की, उन्होंने ब्लेयर्ड किया, ब्लेयर्ड मीन्स होता है तेज़ी से बोले वो, और उन्होंने अपने मेगाफोन से, जो वो भोपू टाइप का नहीं ले रहता है वो, तो उस चीज़ में बोलकर उन्होंने तेज़ी से कहा कि अब और जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने मार्क्स पर आ जाएं। और तभी उन्होंने अपनी जो गन है उससे स्टार्ट की रेस को, और जितने भी रनर्स थे वो बहुत तेज़ी से, स्प्रैंग मीन्स होता है अचानक से, बहुत तेज़ी से, एकदम से जैसे स्टार्ट होती ना रेस, इस तरह से वो लोग अपनी स्टार्टिंग लाइन से दौड़ने लग गए। After about 500 meters, the flat track changed to a steep upward slope lined by pine trees. अब 500 मीटर की ही दूरी हुई थी, उसके बाद में वो जो उनका फ्लैट ट्रैक जब से चल रहा था, सीधा रास्ता चल रहा था, तब से अब जो वो रास्ता था वो चेंज हो गया था स्टीप में। स्टीप मीन्स होता है खड़ा रास्ता, अपवर्ड ऊपर की तरफ, और स्लोप होता है ढलान वाला रास्ता। तो जो ऊपर नीचे का, जो ये कहीं से ऊपर कहीं से नीचे ढलान का जो रास्ता था, और उसको, उस रास्ते को कवर किया हुआ था वहाँ, मतलब किनारे पर पाइन ट्रीज लगे हुए थे, मीन्स देवदार के जो पेड़ होते हैं। तो अब वो रास्ता ऐसे रास्ते में चेंज हो गया था। मनीषा वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पार्ट सिंस शी हैड स्पेशली ट्रेन फॉर इट वंस वाइल प्रैक्टिसाइजिंग रनिंग अप अ स्लोप शी स्प्रेंड हर एंकल बिकॉज शी वॉज पुशिंग टू हार्ड। ठीक है, अब मनीषा जो थी उस रास्ते को देखकर, उसको तो पहले वो समझ गई थी उस रास्ते को देखा जब उसने, क्योंकि उस वो स्पेशली वहाँ पर ट्रेन हो चुकी थी उस रास्ते पर दौड़ने के लिए, उसके भाई ने उसको अच्छे से ट्रेन कर दिया था पहले से ही। और एक बार वो फिर सोचती है कि एक बार जब वो रनिंग कर रही थी ऐसे ही स्लोप पर, ऐसे ही ढलान के रास्ते पर, तो उसका जो एंकल था, उसका जो टखना था, वो स्प्रेन हो गया था, मोच आ गई थी उसमें, क्योंकि वो उस रास्ते पर सही ढंग से नहीं दौड़ रही थी जैसा कि उसको दौड़ना चाहिए था, इसलिए उसकी एंकल में, उसके टखने में मोच आ गई थी। ठीक है, क्योंकि वो उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा रशली भाग रही थी, बहुत ज़्यादा हार्ड भाग रही थी, और ऐसे रास्ते पर ऐसे नहीं भागा जाता। अब देखिए आगे क्या होता है। शी हैड लर्नड फ्रॉम हर इंजरी एंड अंडरस्टूड दैट डिफरेंट प्रॉब्लम्स नीड डिफरेंट सॉल्यूशंस। शी लर्नड दैट रनिंग अप अ स्लोप नीडेड डिफरेंट प्रिपरेशन देन रनिंग ऑन फ्लैट ट्रैक। अब उस चोट से, वो जो इंजरी उसको लगी थी, वो जो चोट उसको लगी थी, वो उस चीज़ से ये समझ गई थी कि हर दूसरी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, हर एक का एक ही सॉल्यूशन नहीं होता, तो वो ये चीज़ इस चीज़ से सीख गई थी
कि जो स्लोप पर दौड़, जो स्लोप पर जो रनिंग होती है वो अलग होती है, उसकी प्रिपरेशन अलग करनी होती है, और जो फ्लैट ट्रैक पर होती है उसकी प्रिपरेशन अलग करनी होती है। तो वो ये चीज़ समझ गई थी। आफ्टर रनिंग 1.5 किलोमीटर्स मनीषा रीच द टॉप। शी वॉज इन द फर्स्ट प्लेस। एज शी लुक डाउन फ्रॉम द टॉप शी कुड सी अ जेंटल स्लोप दैट लेड स्ट्रेट टू द फ्लैट एंड पार्ट ऑफ द ट्रैक। शी कुड हियर हर ब्रदर एंड फ्रेंड्स कॉलिंग हर नेम एंड इनकरेजिंग हर। अब जब 1.5 किलोमीटर की रेस उसने कंप्लीट कर ली थी, दौड़ने के बाद में मनीषा जो थी टॉप पर पहुंच गई थी, मतलब कि ऊंचाई पर, वहां पर जो स्लोप वाला रास्ता था वो उसके बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई थी, और वो अभी तक फर्स्ट प्लेस पर थी, उसके पीछे थे बाकी सब, वो सबसे आगे थी। जैसे ही फिर उसने टॉप के नीचे देखा, उसने जो वहाँ पर एक और स्लोप जो था नीचे को ढलान जा रहा था, तो उसको वहाँ से फ्लैट एंड पार्ट उसका ट्रैक पर हो रहा था, तो उसको वहाँ से सीधे सीधे नीचे को उतर के जाना था। और वो वहाँ से जब वो टॉप पर थी तो वो देख सकती थी, उसके फ्रेंड्स और जो उसके ब्रदर्स थे वो उसको इनकरेज करने के लिए उसका नाम चिल्ला रहे थे, जैसे कि मोस्टली हम लोग भी करते हैं। जैसे स्कूल्स में आपने भी देखा है, रेस में जब स्कूल में हुई थी तब आप भी कैसे चीयर कर रहे थे अपने ग्रुप के लोगों को, ठीक है, ऐसे ही उसको चीयर कर रहे थे सब। शी गॉट डाउन द स्लोप फास्टर देन शी हैड क्लाइंब्ड इट। स्टिल इन द लीड शी सॉ ए रेस मार्शल स्प्रेडिंग हिज आर्म्स एंड वेविंग अ फ्लैग। ही कॉल्ड आउट ऑफ ट्रैक ऑफ ट्रैक यू मस्ट गेट बैक ऑन द ट्रैक। अब वो जब स्लोप से नीचे बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई आ रही थी, मतलब कि इतना टाइम तो उसने ऊपर चढ़ने में भी नहीं लगाया होगा जितनी स्पीड से वो नीचे उतरने में लगा रही थी, और अभी भी वो लीड में थी, मतलब कि सबसे आगे वही थी। और फिर तभी उसने देखा कि जो रेस मार्शल थे, जो मार्शल ये होते हैं ना जो फ्लैग जैसे ये दिखाने वाले होते हैं, इनको कहते हैं रेस मार्शल, उन्होंने कहा, अपने हाथ वो फैला रहे थे अपने, उन्होंने झंडा तो ले ही रखा था हाथ में, झंडा हिलाते हुए वो कह रहे थे ऑफ ट्रैक ऑफ ट्रैक मीन्स कि तुम अपने ट्रैक से हट गई हो, अपने ट्रैक से हट गई हो, तो तुम्हें अपने ट्रैक पर वापस जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी में भाग रही थी कि उसने अपना ट्रैक भी मिस कर दिया था, वो दूसरे ट्रैक में पहुंच गई थी, तो इसलिए उन्होंने उसको कहा कि अपने ट्रैक में जाइए। मनीषा सडनली रियलाइज दैट शी हैड गॉन ऑफ द ट्रैक। शी वॉज डिसमेड दिस कुड कॉस्ट हर द इंटायर रेस। नेवर्थलेस शी डिड नॉट स्टॉप। शी टर्न अराउंड एंड गॉट बैक ऑन द करेक्ट ट्रैक। हर ब्रदर हैड स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग द मार्शल। शी डिड नॉट आर्ग्यू विद हिम एंड जॉइन द अदर रनर्स। मनीषा ने अचानक, उसको ये रियलाइज़ हुआ, उसको ये पता चला कि हाँ वो जो थी वो उसने अपना ट्रैक खो दिया था, वो दूसरे ट्रैक पर पहुँच गई थी, तो उसने अब वो डिसमेड मीन्स होता है शॉक हो जाना और दुखी हो जाना, ठीक है, यहाँ पर इनके मीनिंग्स दे रखे हैं, आप इस क्लू बॉक्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और दुखी भी हो गई थी इस चीज़ से कि ये जो मेरा गलत मैंने ये किया, मतलब अपना ट्रैक खो दिया, इस चीज़ से मेरी जो पूरी इंटायर रेस है वो ख़राब हो सकती है, उसको उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ सकती है, तो वो यही सोचती है। लेकिन फिर भी वो क्या करती है, वो रुकती नहीं है, ठीक है, और वो अपना जल्दी से ट्रैक बदलती है, अपने करेक्ट ट्रैक पर आ जाती है। उसका जो भाई है थोड़ा घबरा तो जाता है, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि जो मार्शल ने कहा उसकी रिस्पेक्ट करते हुए मनीषा को वो करना ही चाहिए था, वो ठीक ही था। तो मनीषा ने कोई आर्ग्यू नहीं किया उनके साथ में, और जो बाकी रनर्स थे उनको ज्वाइन कर लिया और सही ट्रैक पर आ गई थी। ऑल द रनर्स वर एट द सेम ट्रैक। मनीषा वॉज नॉट इन द लीड नाउ। देयर वर 5 अदर रेसर्स अहेड ऑफ हर। अब जितने भी रनर्स थे वो अपने अपने सेम ट्रैक पर थे, मनीषा जो थी अब वो लीड में नहीं रही, क्योंकि उसने जैसे ट्रैक गलत ट्रैक पर चल रही थी, फिर वो उसने ट्रैक बदला, तो अब बाकी जो रनर्स थे उन्होंने उसको पीछे कर दिया था, अब वो लीड में नहीं रही थी, मेन नहीं थी, और जो 5 अदर रेसर्स थे वो उसके आगे पहुँच गए थे, वो पीछे आ चुकी थी, ठीक है। अब बाकी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, ओके, यहाँ पर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।